स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के ने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं अपने 300 एपिसोड। वैसे तो इस शो की शुरुआत से ही किसी को भी ये नहीं पता था कि ये शो इतना अच्छा रिस्पॉन्स गैदर करने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन ये रिश्ते हैं प्यार के में यंग लवर्स अबीर और मिष्टी की लव स्टोरी देख कर सबको इतना ज़्यादा मज़ा आया कि अब तक ऑडियंस उनको अपनी सर आँखों पर बिठा चुकी है। इसी के बातचीत में जब रेहा शर्मा यानी कि मिष्टी से पूछा गया कि उनके 300 एपिसोड पूरे होने खुशी में आप क्या कहना चाहेंगी फैन से, तो उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए कहा, मैं अपने फैंस को थैंक्स कहना चाहूंगी, अपने व्यूअर्स को जो अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं हमें, ये सब बस उन्हीं की वजह से है, उनके प्यार की वजह से है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एंड आई जस्ट होप वी कीप डूइंग आर वर्क एंड यू कीप लाइकिंग आर वर्क। इसी के साथ शो में बहुत ही रिमार्केबल जर्नी रही है हमारी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है कि हमने 300 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। आई वुडेंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू एंड इनक्रेडिबल टीम एंड वर्कफोर्स, द पीपल बिहाइंड द शो, आई थैंक एवरीवन फॉर लेटिंग अस मेक अ प्लेस इन देयर हार्ट। तो इसी के साथ आपने देखा कि कैसे मिष्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम और अपने बिहाइंड द कैमरा लोगों के साथ साथ अपने फैंस को देती आई नज़र। लेकिन दूसरी तरफ शहीद शेख को भी अपने शो के 300 एपिसोड पूरे होने की काफ़ी ज़्यादा खुशी है, लेकिन अब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से शो के TRP चल रही है और शो की कहानी का ग्राफ चल रहा है, मानो उससे तो 300 क्या अभी तो बहुत सारे एपिसोड पूरे होने बाकी हैं, क्योंकि लोगों को अब तक के शो में कुछ भी बोरिंग नहीं लगता है। हमेशा मेकर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न के साथ इस शो को नया बनाते हैं, फ्रेश अंदाज से इसे टेलीकास्ट भी किया जाता है। और अगर लॉकडाउन के बाद की स्टोरी की बात हो तो काफ़ी ट्विस्ट और टर्न्स वाली रोलर कोस्टर राइड रही है मिष्टी और अबीर की, जिसे सब ने किया है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय।